हाय एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप फ्लोरल मटेरियल को किस तरीके से ड्रेस अप करिए और स्टाइल से अपने लिए डिज़ाइन करिए। तो सबसे पहले इस तरीके का आप गरारा बना सकते हैं, शॉर्ट कुर्ता और गरारा, और ये लुक बहुत अच्छा लगेगा फ्लोरल मटेरियल पे। अगर हैवी मटेरियल में लेते हो तो इसको वेडिंग में भी आप आराम से कैरी कर सकते हो। फिर इस तरीके का अनारकली है जो बीच में पोटली बटन है, ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा। येलो फ्लोरल प्रिंट है इसकी और ये वन ऑफ माय फेवरेट है, तो आप इस तरीके की अनारकली भी बना सकते हो फ्लोरल प्रिंट के साथ। नंबर 3 है रफ़ल फ्रॉक, इस तरीके का रफ़ल स्लीव्स के साथ, और ये भी बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा आपको एक लुक मिल जाएगा इस तरीके का। अगर आपको पिंक फ्लावर का फ्लोरल मटेरियल मिलता है तो उसमें आप ये लुक ज़रूर ट्राई करिए। नंबर 4 है इस तरीके का काफ्तान जिसमें बीच में नॉट है, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उसके लिए ये आपके लिए परफेक्ट लुक होगा। नंबर 5 है ये इस तरीके का कुर्ती एंड पैंट, ये बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर आप इस तरीके का बड़े बड़े फ्लोरल मटेरियल आपको मिलता है तो आप इस तरीके का डिज़ाइन अपने लिए ज़रूर बनवा सकते हैं। नंबर 6 है लहंगा चोली, अगर डे वेडिंग फंक्शन है तो इस तरीके का लहंगा चोली, या मेहंदी फंक्शन में भी इस तरीके का लहंगा चोली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है, तो आप इस तरीके का डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपल और एलिगेंट बहुत अच्छा लगेगा। एंड लास्ट है इस तरीके का गाउन, ये भी एक रफ़ल गाउन है एंड ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा डे फंक्शन में, बहुत अच्छा लगने वाला है। बीचेस पे भी ये लोग बहुत अच्छा लगता है। सो मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।